सो गाइस यहाँ पे हनोई में जैसे मतलब जहाँ पे इंडियंस दिख रहे थे यहाँ पे एक भी इंडियन अभी तक दिखा नहीं है। सब मोस्टली ना लाइक अमेरिका या जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, वहाँ के सब आ गए। ये जो एरिया ना ये ना चाइना के बॉर्डर के नजदीक ही है, तो यहाँ पे ना मोस्टली बहुत कम लोग आते हैं। ये ना ये हिल स्टेशन है, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। आपको अभी यहाँ का जो नाइट वाला व्यू है वो देखिए कैसा दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई चाइना का गेट ही है जहाँ से हम अभी पास होने वाले हैं। यहाँ के रोड्स देखोगे ना तो पूरा कंक्रीट का रोड है। तो यहाँ से अभी हम जाने वाले सिटी के अंदर। वाओ, ये सिटी रात में देखने के लिए बहुत अच्छी है। ये ना हम किसी और के वीडियो में देखा था, आज खुद यहाँ पे आके ये फील कर रहे हैं और आपको हमारे वीडियो से ये दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो मार्केट है ये थोड़ा सा हम ना बाइक साइड में लगा के इसको घूमना चाहेंगे और धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। तो एक सेफ जगह देख के यहाँ पे बाइक पार्क करके ये जगह हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। सुबह अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ना वो एक एरिया देख लीजिए। ये ना पूरा लैंटर्न लगा है रस्ते पे और क्या व्यू दिख रहा है देख सकते हो सामने। ये पूरा सेक्शन लैंटर्न है। मैं अभी थोड़ा आगे जाके फिर से आता हूँ ऊपर और आपको दिखाता व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। देखिए ये एरिया जो दिख रहा है ये पूरा ना लैंटर्न और ये कुछ ये होटल लाइन है पूरी और स्पा भी यहाँ पे। तो स्पा करने के लिए यहाँ पे हम ज़रूर आ सकते हैं। देखिए ये होटल वाले ने किया है। वाओ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वाओ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम मारने वाले यूटर्न। सामने देख सकते हो यहाँ पे सन प्लाजा और इसी के यहाँ पे सब लाइन से होटल्स है। और ये देखिए ये इनका ट्रेडिशनल डांस हो रहा है यहाँ पे। पर क्या ऑसम कर रही है, क्यूटनेस से भरी हुई लड़की। और बाकी ये रहा प्लेस सामने देख सकते हो और सामने देखिए चांद। तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, एंट्रेंस अच्छा लग रहा है इस बिल्डिंग का। और ये यहाँ का ना मतलब देखिए हर एक आई थिंक हर एक टाइम जोन के हिसाब से टाइम लगा है। फिर हाँ एक ही घंटे का टाइम है जो अभी बजे यहाँ पे 7:15। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ना इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए सामने जहाँ पे नीलम खड़ी है उसके जस्ट पीछे पूरा एरिया देखिए। और सामने को जो चर्च है और आई थिंक यहाँ पे कुछ होता है जो स्टेज टाइप है ना। यू स्मैशिंग दैट लाइक बटन टू सपोर्ट अस मेकिंग दीस वीडियोस। दार्जिलिंग सेम दार्जिलिंग जैसा मॉल रोड पे जो एक पार्ट है वहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। यही लाइटिंग बिल्डिंग एक चर्च है वहाँ पे भी सेम दार्जिलिंग का फीलिंग हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे भी घूम रहे हैं सेम दार्जिलिंग लग रहा है। ये अभी तक का पूरे मतलब जहाँ पे जितना घुमाओ ना उसमें से सबसे बड़ा ये हाईलाइट था कि ये देखिए तीन तीन चार चार माले का पूरा लाइटिंग कर करके ये इतना अच्छा डेकोरेट किया ना इस होटल को। ये सब रेस्टोरेंट है पूरे पूरे इसके फ्लोर से सब इतने बहुत ही अच्छा मतलब बनाया इसको। और यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे चिल कर सकते हैं। सो गाइस मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने सारे होटल हैं। लाइटिंग देखिए क्या लाइटिंग करी है। ये देखिए सामने ये वाला होटल पूरा येलो और वुडन फिनिश है और अंदर देखो अंदर क्या भारी इसको बनाया गया है। प्लस के उसके बाद यहाँ पे देखिए सामने जो होटल इन्होंने डेकोरेट किया है ऐसा लग रहा है कि मैं एक चाइना में आ चुका हूँ। ये इतना अच्छा दिख रहा है मतलब पूरा वुडन का है ये। प्लस इसका जो बोर्ड है बोर्ड यहाँ पे तीन बोर्ड है और ये पूरा देखिए लैंटर्न के साथ आपको ये पूरा व्यू अलग ही दिखता है।
सो गाइस यहाँ पे हनोई में जैसे मतलब जहाँ पे इंडियंस दिख रहे थे यहाँ पे एक भी इंडियन अभी तक दिखा नहीं है। सब मोस्टली ना लाइक अमेरिका या जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, वहाँ के सब आ गए। ये जो एरिया ना ये ना चाइना के बॉर्डर के नजदीक ही है, तो यहाँ पे ना मोस्टली बहुत कम लोग आते हैं। ये ना एक हिल स्टेशन है, बहुत ठंड है यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ना ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लाइन ये होटल का लाइन है, और सब ऐसे होटल के तीन तीन चार चार माले के होटल है, और सब में ना ये लाइट से भरा हुआ है। तो हमारे लिए तो ये कुछ नया ही है। आइए लाइफ को एंजॉय कीजिए यहाँ पे आके। सामने देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा यहाँ पे इवेंट होने वाला है, इतनी शार्पी लगा के रखी है। ये है हॉटस्पॉट सेंटर, ये यहाँ का जाना माना होटल है। सो गाइज हमने सोचा कि चलो कुछ कॉफ़ी ऑर्डर करते, तो 35,000 वेंडी की ये कॉफ़ी देखिए, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ पूरे वियतनाम में हमें कहीं पे भी इतनी कम मतलब इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं मिली अभी तक। कितनी कड़वी है, हद से भी ज़्यादा मगा है। अबे यार ज़्यादा मूर्ख। तो यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट देख रहे थे, तो उसमें से ना हमें एक मिला है यहाँ पे गणेश सापा इंडियन रेस्टोरेंट, जिसका अभी हम अंदर जाके आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कैसा है क्या है। बाकी इसकी अगर लोकेशन बताओ तो ये जो सामने जो एक सर्कल है जहाँ पे वो सब अभी जो छोटे बच्चे लोग डांस कर रहे थे, उसके यहाँ से सीधा आने के बाद ना आपको यहाँ पे कुछ 300 मीटर पे ही आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। तो हम अभी जाके आपको बताएंगे कि ये कैसा है। तो चलिए अभी जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे हम बैठने वाले वो प्लेस देखते हैं, इधर बस ठीक है। और यहाँ का अगर हम मेन्यू कार्ड बताएंगे तो देखिए ये चिकन करी है, ये आपको आएगा कुछ 1,08,000 VND। फिर चिकन टिक्का मसाला 1,32,000, और ये चिकन टिक्का जल फ्रिजी ये भी 129। ये देखिए सबका जो रेट है ना, ये आप एक बार देख लेना, मैं आपको सुबह से ओवर ही दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का रेट रहता है। तो आप यहाँ पे आओगे तो ये रेट्स में आपको मिलेगा, रीजनेबल है इंडिया में। हाँ ये चिकन गार्लिक कबाब भी है जो 1,18,000 का आएगा, कुछ ऐसे रहेगा। फिर ये चिकन टिक्का जो 6 पीसेस वाला है 1,15,000, ऑलमोस्ट आपको ना 1,92,000, 1,18,000, 1,00,000 के ऊपर सब प्राइस मिलेगा। तो जो है वो रीजनेबल है, वेज भी है नॉन वेज भी है सब है यहाँ पे। सो यहाँ का एक अलग डिश है चिकन समोसा, ये आज हम ट्राई करने वाले जो है 66,000 का। तो देखिए रेस्टोरेंट कुछ इस तरह है अंदर से, आप देख सकते हो पूरा ना थोड़ा सा वुडन फिनिश, मतलब पूरा वुडन से बना हुआ है। नीचे भी प्लाई भी वुडन का ही है और ऊपर भी वुडन का है। और यहाँ पे काउंटर, और ये है यहाँ पे वॉशरूम। सो हम यहाँ पे बैठे और हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, बटर नान, देन चिकन टिक्का मसाला और एक चिकन समोसा, ये ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर राइस में देखेंगे जीरा राइस है कोई। सो गाइस हमारी पहली ऑर्डर आ चुके जो है चिकन समोसा, जिसके साथ हमें सॉसेज भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं से मुंबई, कैसा है? ओके ओके, अच्छा, गुड, ऑसम, एक्सेलेंट, मस्त है। मुंबई की लैंग्वेज में बोल दिया है, मस्त है मतलब झकास। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, चलो हम भी स्टार्ट करते हैं इसको भी। इसमें नोटिस हुआ कि ये जो ऊपर का लेयर है ना ये पूरी वाला है ना, तो लाइक पूरी भाजी खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। अच्छा अदर कंट्री में जाके अगर कुछ इंडियन खाना मिले तो हम नाम नहीं रखेंगे, पर अच्छा है ये मिलना। हाँ ये मिलना मतलब अलग ही लेवल है। ये सेम इंडिया की तरह मतलब टेस्ट मैटर करता है ना इंडिया के बाहर। इसके लिए फाइनली हमारा चिकन टिक्का मसाला और ये आया अपना बटर नान। सो लेट्स सी कैसा है अभी। सो अभी ये जो आया हमारा डिश वो ट्राई करेंगे, चिकन टिक्का मसाला और नान, देखें कितनी बड़ी है। थैंक यू। सो गाइस ये जो बटर नान थी और ये जो चिकन टिक्का मसाला था ये सच्ची में बहुत ऑसम था, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। मतलब पैसा वसूल है यहाँ पे, अगर आप आओगे तो मतलब सापा में तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। कि हमने दो नान लिया और चिकन टिक्का में हमारा पेट भर गया, ये पूरा प्लेट भर के ये पूरा डिश भर के था वो नान, बहुत अच्छा लगा।
सो गाइस देखिए ये हमारा फाइनल बिल है जिसके ऊपर ये गणेश फाइन इंडियन रेस्टोरेंट एड्रेस भी है और फ़ोन नंबर भी है। फिर यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, बटर नान जो दो लिया था उसका 54,000 हो गया 1,08,000 और फिर चिकन समोसा जो है दो पीस का उसका 66,000 और ये चिकन टिक्का मसाला जो है 1,32,000 टोटल हमारा बिल हो गया 3,06,000 डाउन। सो फाइनली हमारा खाना करके हो चुका है, यहाँ से हम जाने वाले अभी होटल पे। सो गाइस मैं और मेरे इस होटल के टेरेस के ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ से इस सामने सिटी का नज़ारा जो कि पूरा फॉग के अंदर है और ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे के सिर्फ नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है वही दिख रहा है, बाकी लंबा अगर देखोगे तो कुछ।